तो स्वागत है आपका मेरे चैनल प्राउड इंडिया में। आज की खबर है वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है और उनके ऐसे काम को लेकर आ रही है जिसने हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बूस्ट दिया है। तो ये खबर आ रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से, जहां एक सेरेमनी में इंडियन नेवी ने दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव मार्क 3 को अपनी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने इसे इन दो हेलीकॉप्टर्स को खुद ही बनाया है और इस सेरेमनी को INS उत्कृष्ट में पूरा किया गया और अब इससे इंडियन फ्लीट में दो नए हथियार आ चुके हैं। अगर इन हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इसमें शक्ति इंजन लगा है, मॉडर्न रडार्स लगे हैं और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को भी लगाया गया है। इसी के साथ ये दिन व रात दोनों में काम कर सकता है तथा 14 मैक्सिमम सोल्जर्स के साथ ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इन हेलीकॉप्टर्स को जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन पे निगरानी व देखरेख के लिए इंडक्ट किया है। साथ ही ये स्पेशल ऑपरेशंस लाइक रेस्क्यू, एयर एम्बुलेंस, मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जैसे कामों को अंजाम दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सिर्फ दो ही तो हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट हुए हैं, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। बाहर जब इंटरनेशनल ऑफर्स हम करते हैं तब तो 100-150 के नंबर में हम खरीदते हैं, तो बात इसकी नहीं है। तो बात यह है कि हमें इंटरनेशनल ऑफर्स बड़े ही करने पड़ते हैं क्योंकि उनको सैंक्शन होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो हम भारत में खुद बना रहे हैं वो तो हम कभी भी ऑर्डर्स दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारी नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स पे रुपया आया, हमने उन्हें ऑर्डर दिया और वो बन के आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा पेपर वर्क और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑफर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, उसमें पेपर वर्क इतना ज्यादा होता है कि 1-2 साल तो लग ही जाते हैं। इसलिए अभी ये ऑर्डर्स भले ही छोटे हैं लेकिन आप गौर कीजिए कि शुरू तो हैं। ऐसी ये धीरे धीरे बढ़ के और होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम सब 100% इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन्स को यूज करेंगे। तो होप यू लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।